आज हम गणपति बाबा को सबसे प्यारे उकड़ी के मोदक बनाएंगे। स्टीम मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार ज़रूर बना के देखिए। एकदम सिंपल रेसिपी है, एकदम आसानी से मैं कैसे बनाया जाता है वो बताने वाली हूँ। कोई भी आसानी से बना सकता है और खाने में ये इतने टेस्टी लगते हैं ना कि अगर आपने एक बार बना लिया तो हमेशा इसी तरह से बनाएंगे और बाहर से लाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर में इतने आसानी से बनते हैं और खाने में जितने टेस्टी है ना उतने ही बनाने में आसान है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए कितने सॉफ्ट एकदम हमारे ये मोदक बने हैं और इसके ऊपर ना घी डाल के खाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर बना के इस तरह से खा के देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और टेस्टी हमारे ये मोदक बने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले उसका जो स्टफिंग है वो बनाएंगे। तो एक पैन में मैंने एक चम्मच घी डाला है, घी गर्म होते ही ना इसमें ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आपको जो अच्छे लगते हैं वो डालें या ना डालें तो भी चलेगा, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं और हल्का सा ना इनको भूनेंगे ताकि इनमें ना एक अच्छा सा क्रंच आ जाए, तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। एकदम लो फ्लेम पे हमें इनको भूनना है। अभी ना इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के खसखस। तो ये ज़रूर डाल के देखिए, मोदक में बहुत ही टेस्टी लगते हैं खसखस। तो खसखस और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। तो ये देखिए अब खसखस भी अच्छे से भून चुकी है, तभी इसमें ना थोड़े से किशमिश या मनुका डालेंगे। मनुका जल्दी भून जाते हैं इसके लिए थोड़ी देर के बाद ही डालिए। ये देखिए सभी जो ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से भून चुके हैं, तभी इसमें ना इस्तेमाल करेंगे हम लोग ताजे नारियल के। वो ताजे नारियल को मैंने कद्दूकस करके डाला है, फ्रेश नारियल का ही इस्तेमाल कीजिए। कटोरी भर के मैंने ये इस्तेमाल किया, कोई भी कटोरी लीजिए उससे पूरा नाप ले लीजिए। तो हमें पहले ना नारियल को अच्छी तरह से हमें भूनना है ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। मॉइस्चर अगर चला गया ना तो हमारी जो मोदक का स्टफिंग है और मोदक ज़्यादा दिन तक चलते हैं। ये स्टफिंग बना के आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, दो तीन दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब मोदक बनाने हैं तभी फटाक से ये आधे घंटे पहले बाहर निकाल के रखिए, फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी जिस कटोरी से हम लोगों ने नारियल लिया था उसका आधा हमें गुड़ लेना है। आज मेरी बेटी मेरे साथ है तो उसके भी हाथ आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा सा, तो वो मुझे हेल्प करिए। तो अभी नारियल और गुड़ को अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं और एकदम लो फ्लेम पे हमें भूनना है। तो देखिए लगातार बीच बीच में चलाते हुए भुने, और हमें ना इसे ज़्यादा पकाना नहीं होता है गुड़ डालने के बाद, नहीं तो जो स्टफिंग है सारण है हमारा वो हार्ड बनेगा, कड़क बनेगा। इसके लिए पहले नारियल को भून लीजिए फिर गुड़ को डालिए। तो गुड़ क्या जल्दी से इकट्ठा गाढ़ा भी हो जाता है, तो इसके लिए हमें उसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए नारियल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमारा जो स्टफिंग है वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं ना फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो एक चम्मच भर के यहाँ पे मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, छोटा सा चम्मच। और आप चाहिए तो ना डाले तो भी चलेगा। तो इलायची को ना मैंने थोड़ा सा दाने इसके निकाल के पैन में गरम करके उसको चीनी डाल के पीस लिया था, तो वो पाउडर फॉर्म में तुरंत जो फ्रेश इलायची इस्तेमाल करते उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा है ना स्टफिंग हो गया है तैयार सारा, तो इसे रख देते साइड में। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक कप चावल का आटा, आप जो रेडीमेड चावल का आटा आता है ना वही मैंने लिया है। आप कौन सा भी आटा मतलब चावल का घर में बना सकते हैं या रेडीमेड ले सकते हैं, कोई भी चावल लीजिए। तो ये रेडीमेड आसानी से मिल जाता है तो मैंने वही इस्तेमाल किया है। तो एक पैन में ना एक जिस कटोरी से आटा लिया है उसी कटोरी से हमें पानी लेना होता है सेम मात्रा में। अगर आपने एक कटोरी चावल का आटा लिया है तो एक कटोरी ही आपको पानी लेना है। तो पानी थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें ना एक चम्मच छोटा सा घी डालेंगे, इससे क्या होता है शाइन भी बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और बस दो पिंच जितना ही हमें नमक डालना है, ज़्यादा नहीं। इससे ना जो बाहर की मोदक का स्टफिंग के साथ ये जो खट्टा थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो पानी को उबाल आ रहा है ना, तभी इसमें डालेंगे
आटा, तो गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखना है और बीच बीच में एक हाथ से आटा डालते जाइए और एक हाथ से चलाते जाइए और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ये जो ऊकड़ है चावल का, अगर ये परफेक्ट बना आपसे तो आपके मोदक एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसके लिए जैसे मैं बताते जा रही हूँ आप वैसे ही कीजिए, एकदम परफेक्ट रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ये आपको ऐसे लग रहा है कि ड्राई है, पानी की ज़रूरत है नहीं, इसे ना हमें थोड़ी देर के लिए ढक के रखना होता है, तो ये ना अपने आप भाप पे अच्छे से पक जाता है आटा। तो इसके लिए एकदम लो फ्लेम पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अभी गैस बंद करके इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, 10 मिनट के लिए ढक के ही रखिए, बिल्कुल भी मत ढक्कन को उठाइए। तो चलते 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा आटा जो है अच्छे से थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने तक हमें इसे रखना होता है, लेकिन ये थोड़ा अभी भी बहुत ही गर्म है। तो क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से या ग्लास की सहायता से आप इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स रगड़ रगड़ के अच्छे से मिक्स करते जाइए ताकि उनमें जो भी गर्माहट है वो थोड़ी कम हो जाए, हाथ से छूने लायक बन जाए, इतना ही हमें इसे ठंडा करना है। तो देखिए ना स्पैचुला अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं इसे मिक्स कर लिया था। अभी ना हाथों से अच्छी तरह से मसल मसल के हमें इसे गूंदना है। तो ध्यान रखिए हथेली का जो लास्ट का हिस्सा है ना उसे अच्छी तरह से हमें रगड़ रगड़ के इसे मलना होता है। जितना आप आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके गूंदेंगे रगड़ रगड़ के, उतना ही जो आटे में है ना चिकनाहट आता ही है और फिर हमारे जो मोदक है एकदम परफेक्ट बनते हैं, बिल्कुल भी फटते वगैरह नहीं है। तो यही है जो ट्रिक जो आपको मोदक बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है। आटे को कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। अभी आटे को थोड़ा सा गूंदने के बाद देखिए मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है और घी लगा के वापस से हमें ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छे से गूंदना होता है। तो ये देखिए इस तरह से ना अच्छे से मसल मसल के आपको गूंदना है। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा ना आटे में अच्छे से चिकनापन आ गया है, तो इसी तरह से बीच बीच में हाथों में घी लगा के आप इसे अच्छी तरह से मसल मसल के गूंद लीजिए। ये देखिए अच्छे से आटा हमारा एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम अच्छे से गूंद चुका है। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी इसमें से ना छोटे छोटे बॉल हमें लेने हैं, लोइया लेनी है और ध्यान रखिए नींबू के साइज़ से भी छोटी हमें लोई लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं, नींबू से छोटी लेनी है और जितना पेड़े का आकार होता ना उसी उतना ही हमें लोई लेनी है। और हाथों में थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी पारी बनानी होती है, जो रोटी बनानी होती है ना नॉर्मल इसे पारी कहते हैं, बीच में थोड़ा सा मोटा और साइड से हमें पतला करते जाना है। तो ध्यान रखिए एकदम पतली हमें इसकी पूरी हाथों से ही बनानी है, एक दो अंगूठे अंदर से और बाहर से उंगलियों से ना ऐसे प्रेस करते करते गोल गोल घुमाते हुए प्रेस करते जाएंगे, नहीं तो ये अपने पतली होती जाएगी। और ध्यान रखें ऊपर के साइड हमें जो है पारी एकदम पतली बनानी होती है ताकि जब स्टीम करे ना तो ये एकदम मोटी मोटी नहीं लगे खाते समय। तो इसके लिए एकदम पतली हमें इसे बेलना होता है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितनी पतली मैंने यहाँ पे ये जो मोदक की पारी है वो बनाई है, उंगलियाँ भी दिख रही और बिल्कुल भी बाहर साइड से क्रश वगैरह क्रैक वगैरह बिल्कुल भी नहीं गए। इसी तरह से बस उंगलियों की सहायता से हमें गोल 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 घुमाते हुए इसे पतला करते जाना है, हो सके उतना पतला कीजिए। अभी इसे प्लेट लगानी है तो क्या करना है, एक उंगली अंदर की तरफ से बाहर ढकलना है और बाहर की दो उंगलियों से इसे नीचे तक अच्छे से प्लेट लगानी है, थोड़ा प्रेस करते और एकदम साइड साइड से हमें इसकी प्लेट लगानी होती है इस तरह से। और चाहिए तो थोड़ा सूखा आटा हाथों में लगाते रहिए ताकि ये प्लेट से ना हाथों में चिपके नहीं इसी तरह से, और एकदम नज़दीक नज़दीक हमें प्लेट्स लगानी है, जो कली बोलते हैं ना कलीदार मोदक, इसके लिए एकदम साइड साइड से हमें ये प्लेट्स इस तरह से नीचे तक लगाने हैं।
तो ये एक जो ना कला है जो आपको जम गई तो आपके मोदक है दिखने में बहुत ही सुंदर दिखेंगे। बिना सांचे के ये मोदक बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए, मुझे भी इसी तरह के मोदक बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए नीचे तक अच्छे से इसे प्लेट्स बनाते जाइए, हाथों में ना थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते जाइए ताकि ये जो है मोदक की स्टफिंग पूरी है वो चिपके नहीं हाथों में। इस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा होगा उसी तरह से आपको प्लेट्स लेने हैं। इस तरह से कितना आसान है देखिए। अब ये बीच में जो कटोरी जैसे बन गई है हमारी, उसमें ये स्टफिंग भरनी है। और ध्यान रखिए थोड़ी ना ज़्यादा मात्रा में स्टफिंग भरिए, तो अच्छे से दबा दबा के, ताकि मोदक खाते समय वो अच्छे से मुँह में आए, एकदम आटा आटा ना लगे। क्योंकि स्टफिंग जितना अच्छा भरेंगे ना उतने ही मोदक हमारे जो है ऐसे फुले फुले बनेंगे, नहीं तो अगर कम भरेंगे तो वो फिर ना आपको ऐसे दबे हुए जब स्टीम करेंगे ना तब वो दब जाएंगे। इसके लिए और एक ही डायरेक्शन में हम इसे गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ गोल गोल जो ज्वाइंट करते जाना है। देखिए इस तरह से ऊपर ऊपर इकट्ठा करते जाइए ताकि उसे अच्छी तरह से शेप आ जाए। और एक ही डायरेक्शन में आपको इसे गोल तरह घुमाते जाना है और प्लेट्स को बिल्कुल भी मतलब टाइट हाथों से नहीं, एकदम लूज हाथों से हमें गोल घुमाते जाना है। और ऊपर की साइड हमें अच्छे से इसे ज्वाइन करना है देखिए इस तरह से, ताकि जब स्टीम करे तो वो खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे लग रहे, कितने आसान है प्लेट्स लगाना। तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से ना मैं और एक आपको मोदक बना के दिखाती हूँ। हाथों से बस प्लेट आपको सूखा आटा लगाते हुए आपको गोल गोल प्लेट्स बनाते जाना बनाना है। इसके लिए पहले रोटी को एकदम पतला बना लीजिए, हाथों और उंगलियों अंगूठे से अंदर से प्रेस करते जाएंगे तो यह अपने आप पतली हो जाती जी आएगी। क्योंकि यह आटा जो है एकदम सॉफ्ट है हमारा चावल का आटा, और चिकना भी है तो साइड से क्रैक भी नहीं जाएंगे। और दो उंगली 3 उंगलियों से हमें यह प्लेट्स लगानी होती है। एक उंगली से बाहर की तरफ धकेला है और 2 उंगलियों से बाहर की साइड ज्वाइंट करते जाना है। और बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रखना है ध्यान रखिए, ताकि प्लेट्स अच्छे से बनेंगे तो ही हमारा मोदक जो है सुंदर और दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। एक उंगली से बाहर की तरफ धकलना है और 2 उंगलियों से इसे ज्वाइंट करते जाना है। कितना आसान है देखा आपने ये प्लेट्स बनाना, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से मोदक। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अभी इसके अंदर स्टफिंग भरते हैं। स्टफिंग भी देखिए एकदम मस्त हमारी बनी है, कलर भी बहुत ही सुंदर आया है। अभी इकट्ठा करते जाना है, बस इकट्ठा करते हुए हमें गोल गोल एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और ऊपर की साइड इसे ज्वाइंट करते जाना है। ऊपर की साइड आप इसे थोड़ा थोड़ा इसे ज्वाइंट करते जाइए ताकि वो अच्छे से इकट्ठा हो जाए। बस गोल घुमाते घुमाते इकट्ठे करते जाना है। और आप देखेंगे ऊपर की साइड भी हमारा जो है एक्स्ट्रा आटा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, यानी परफेक्ट। हमें मैंने जो आपको लोइया लेनी है बताई है, इससे हमारे मोदक जो है एकदम परफेक्ट बनते हैं। बस अच्छे से हमें इसे ज्वाइन करना होता है ताकि जब स्टीम करें ये छूटे नहीं, नहीं तो खुल जा सकते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर हमारे मोदक लग रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं, मोदक पूरे मैंने बना ली है स्टीम करने के लिए। तो कढ़ाई पे एक छन्नी रखी, या स्टीमर में भी आप इसे उबाल सकते हैं। तो छन्नी रखी, उसके ऊपर ये मैंने कपड़ा रखा है कॉटन का, ताकि जो मोदक हमें रखेंगे ना वो चिपके नहीं नीचे से। या आप केले का पत्ता भी रख सकते हैं। ये देखिए मोदक को बीच में रखते हुए भी साइड से रखते जाएंगे, और सभी मोदक में ना थोड़ा थोड़ा सा अंतर रखिए, क्योंकि ये मोदक ना स्टीम होते ही थोड़े फूल जाते हैं।
तो इसके लिए चिपके नहीं एक दूसरे के लिए, तो थोड़ा थोड़ा अंतर रखते जाइए। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे मोदक। और इसे हमें ढक के कम से कम बस एकदम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे स्टीम करने हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे मोदक कितने सुंदर अच्छे लग रहे हैं और एकदम अच्छे से पक चुके हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी का आनंद ले सकें।